बहुत सही है एंड या आई थिंक हमारे स्टाइलिस्ट को सारा क्रेडिट देना चाहिए बिकॉज ऑफ देम वी आर द वे वी आर बिकॉज दे ड्रेस अस एंड दे मेक अस लुक द वे वी आर. Actually, I'm really happy I'm back again for the Dada Saheb Phalke Awards because iske pehle bhi mujhe ek award mila hai for Fitness Icon of the Year. So I'm very happy to be back here for Diva of the Year. It's lovely, it's wonderful and jabhi bhi koi kehta hai ki kaun si badi baat hai, award hi hai. I think awards are wonderful because it's a validation of sorts. Whatever work we do, jo bhi hum kaam karte hai, uske liye agar awards milte hai to acha lagta hai ki haan kuch hum sahi kar rahe hai. So I like it. Ma'am, although Arjun Kapoor aapke bahut acche friend hai and unka bhi ek villain new movie aaya hai, so unke liye kya kuch aap kehna chahenge? Aapne jo trailer dekha hi hoga, so what is your... I think it's fantastic and I wish the entire team all the very best. Ma'am, any upcoming projects of yours which you would like to say to all the masses, any hint? Hint? मैं आपके कान में बता दूँ? I'll tell you only you, I'll give you a hint. Now I just want to wish everybody all the very best. सारे जो recipients हैं of the Dada Saheb Phalke Awards tonight, all the very best and have a wonderful evening. Thank you. सॉन्ग आप लोग मुझे गाने में देखना चाहते हैं? ठीक है, आई फॉर श्योर कंसिडर दिस. और मैं काफ़ी सारे गाने आए मेरे पास पर मुझे उतने पसंद नहीं आए. आप कुछ आता है तो फॉर श्योर मैं आप सब लोगों के लिए ज़रूर करूँगी. मैम, बिग बॉस OTT भी आने वाला है, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगी या फिर क्या आप बाकी के जितने कंटेस्टेंट्स उनको मोटिवेट करेंगी एज यू आर द विनर? अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्यों आप ये सारी बातें कर रहे हैं? जब बिग बॉस OTT आएगा तब देखा जाएगा. आई एम वेरी थैंकफुल, दिस इज़ माई थर्ड विद दादा साहब फाल्के एक्सलेंस अवार्ड एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड इट डेफिनेटली यू नो इनकरेजेस यू, मोटिवेट्स यू टू वर्क इवन मोर हार्डर. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. ईद मुबारक आप सबको, बहुत 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 ईद मुबारक. थैंक यू. About? हाँ, well, I would say that Dada Saheb Phalke Awards is an honor of excellence and that's why it's called the Excellence Awards and I'm here to support this great ceremony where correct candidates are going to be honored and बहुत ही अच्छा award show है और मैं all the way Pune से आई हूँ इसे attend करने के लिए. Actually मेरा एक show है, अभी तो party शुरू हुई है, जो Funflix apps पे अभी release हुआ है. इस शो को मैंने राइट डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो एंड आई एम हियर टू प्रमोट दिस शो एज वेल. सो आई होप दैट यू ऑल एंजॉय वॉचिंग इट. इट्स नॉट नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का छोटा भाई फनफ्लिक्स, PHUNFLIX. तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा और शो को देख के मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा. शो एक लाइफ स्टाइल सीरीज है जिसे मैंने बैंकॉक, मुंबई, दिल्ली, पुणे, जयपुर में शूट किया है. तो द असेंस ऑफ गुड लाइफ ऑफ इंडिया, जो मेरे सारे NRI फ्रेंड्स हैं उन्हें हमेशा बहुत इच मची रहती है, खलबली मची रहती है कि इंडिया में क्या चल रहा है, कौन सबसे हैपनिंग फैशन डिज़ाइनर्स हैं, कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ खाना खाया जा सकता है. और इस शो में हम लोगों को मेकओवर भी देते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेकओवर्स हमने दिए हैं. एक आंटी हैं जिन्होंने अपने बारे में भूल के अपनी फैमिली में बिल्कुल वो डेडिकेटेड है, तो उनको मेकओवर देके वी मेक अ फील गुड अबाउट लाइफ. फिर एक ट्रांसजेंडर है जिनकी फैमिली उन्हें लड़की की तरह ड्रेसअप करने नहीं देती है, तो उन्हें हमने लड़की की तरह ड्रेसअप करा के उनकी विश फुलफिलमेंट कराई है.
फिर एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है और वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, तो उसको मेकओवर देके उसे फिर से बैक इन द डेटिंग गेम लेके आए हम इस शो से. सो वेरी इंटरेस्टिंग, इट पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, यू कैन वॉच इट विद द होल फैमिली. सो दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट. अभी तो पार्टी शुरू हुई है और इसका जिंगल मैंने अपनी खुद की आवाज़ में भी गाया है. सो आई हैव गिवन माय 100% टू दिस शो. सो आई होप यू ऑल एंजॉय इट. आई नीड योर लव एंड योर सपोर्ट. Los Angeles. It's such an honor to work with Bijan on my first performance in Mumbai. Thank you so much. Yes. Okay, thank you so much on media. Because I saw today, I'm so happy to I work with all this ma'am and this ma'am was singer and this is also. So I'm so happy. Let's see. We'll be work together in beginning. It is the beginning, right? Yes. In future, yes. You can give work, then I'll be work with you. Yes. Okay? Yes. You can come, sir. Please join us. Please come. He's a director, right? Yes. Thank you. Stand here. Okay. He's a producer for our picture. Yes. Okay, if you tell to about your films and whatever your story and everything, little bit bite, please there. The story is art reflecting life and life manifesting art. It is a romantic comedy spiritual journey through India, highlighting all the different cultures, all the different religions, and asking three basic questions on this journey of why is one religion better than the other? What is the true path to spiritual enlightenment? And if two people from different cultures do fall in love, how should they raise their kids? And the answer is love. And it has a real twist. It has a real twisting ending, which you'll have to wait for. And it's exciting, lots of action, some animation, some CGI, but mostly people kind of like a journey throughout India, asking all the different holy people, what's the right path to unity and love? Okay, thank you so much. Thank you. Okay. दादा साहेब फाल्के एक नाम ही ऐसा है, अगर आपका नाम इस नाम के साथ जुड़ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है. एंड पलाश को आज डेब्यू डायरेक्टर के लिए उसकी फिल्म अर्थ के लिए अवार्ड मिल रहा है, और मुझे शेरशाह के लिए, मेरे गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत ज़्यादा बहुत स्पेशल मोमेंट है बिकॉज पलाश को अवार्ड मिल रहा है. सो आई एम डबल हैप्पी एंड हर्ष जी का धन्यवाद कहना चाहेंगे. अभी तो स्टार्टिंग वाइज सफ़र इंशाल्लाह बहुत अच्छा आगे जाएगा, क्योंकि अच्छी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है अर्थ को, तो आई थिंक जितना अभी जितना प्यार मिला है वो भी आगे वाली आने वाली फिल्म्स में मिले. शेरशाह फिल्म के म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, सो मेरा जो गाना था वो दो लाइन्स का देते. कभी तुम ही याद मेरी पलकों को अपने उठा लेना, साफ दिखूंगी मैं तुमको वही, जो ना दिखूं तो बता देना. थैंक यू. आप बात मत करो तो मुझे सुनाई देगा. मैम, दादा साहेब फाल्के एक्सेस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और हर्ष गुप्ता जी और पूनम जावट जी तो ऑर्गेनाइजर हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं मुझे पहली बार मिल रहा है ये अवार्ड, तो मैं ज़्यादा जानती नहीं उनके बारे में, पर मैं बहुत खुश हूँ. और कोई भी अवार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ख़ासकर ये अवार्ड जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतरीन बोला, अपने क्या हमने किया, आगे क्या करने वाली, कुछ बता सकते इस बारे में? आगे बहुत कुछ आने वाला है. मैंने पिछले साल बहुत काम किया है. अभी 29 जुलाई को मसाबा मसाबा सीज़न 2 रिलीज़ होगा. उसके बाद एक फिल्म मैंने की है बा,
पूरी फीचर फिल्म है हार्दिक गज्जर की, वो आएगी। फिर मैंने सूरज बड़जात्या जी की फिल्म ऊंचाई की है, वो आएगी। फिर विकास बहल की गुडबाय आएगी। फिर मैंने दो एंथोलॉजीज की हैं, एक ओ माय डॉग है और एक इश्क नादान है। ये मैं कर चुकी हूँ और इस साल 5-6 प्रोजेक्ट और करने वाली हूँ। और ओटीटी का जो चलन है फीमेल सेंट्रिक फिल्म में, महिला प्रधान बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, खासकर क्या करते हैं, कितनी अच्छी बात है कि एक महिला को लेकर फिल्म बनाया जा रहा है और विषय भी उन पे ही है, क्या करते हैं इसके लिए? किस कौन बनाना चाह रहा है? हाँ, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स लोग लेके बना रहे हैं। नहीं तो पहले एक फिल्म या एक चीज़ हिट होती थी तो सब वैसा ही बनाते थे। अभी OTT की वजह से लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को अलग अलग प्रकार के रोल्स मिल रहे हैं करने के लिए। जैसे अगर आप देख लें तो मैं एक तरफ पंचायत करती हूँ और एक तरफ मुसाबा करती हूँ। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, पंचायत की तो वैसे ही रोल मिलते थे, मुसाबा की तो वैसे ही मिलते थे, पर अब अलग अलग प्रकार के भी रोल मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो यही है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कोरोना के बाद अभी पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी है और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक हर्ष जी की बात है, अवार्ड तो और भी होते हैं, और भी अवार्ड्स में जाते हैं हम, लेकिन हर्ष जी जो हैं वो हर चीज़ के लिए, हर गेस्ट के लिए, हर अवार्डी के लिए, जितने भी लोग आते हैं, मेरे गले के लिए माफ़ करिएगा। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि वो इतना पर्सनल लेते हैं कुछ चीज़ को, हर बंदे को खुद फ़ोन करते हैं, खुद ये करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और उनको बहुत बहुत मुबारक। सर क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं यू नो हम ऑन स्क्रीन आपको देखते हैं और क्राइम पेट्रोल की हम जब बात करते हैं, उस एक शो ने हिंदुस्तान में अनगिनत क्राइम शोज को जन्म दिया और आप दोनों हर दूसरे दिन हम आपको देखते हैं, या फिर हम ये कहें 24 घंटे देखते हैं, सीनियर सीनियर जूनियर दोनों साथ में हैं। क्या कहना चाहेंगे? और खास करके जब अवार्ड किसी को दिया जाता है, हौसला अफजाई होती है आर्टिस्ट के लिए, बहुत कमाल की बात होती है। देखिए इतना सा बात कहना चाहूँगा कि हम सीनियर जूनियर नहीं है, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर। नहीं, वही मैं प्लेइंग की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम डेजिग्नेशन पे हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर। प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कलाकार के लिए अवार्ड मिलना, इतना बड़ा अवार्ड मिलना, ये बड़े सम्मान की बात है किसी भी कलाकार के लिए, और आपके काम को रिकग्नाइज किया गया बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। क्या कहना चाहिए, जहाँ तक जर्नी आएगी आप दोनों से पूछना चाहूँगा, तो टाइम में यू बोथ स्टार्टेड यहाँ तक पहुँच पाना इतना मुश्किल और आसान? देखिए, जब भी कोई सफ़र शुरू होता है तो कहाँ पहुँचेंगे ये पता नहीं होता, खासकर जब हम कोई ऐसा शो करते हैं, तो हमने जहाँ से शुरू किया था तब हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, इरादा और सोच बहुत नेक थी, बहुत सच्ची थी, बहुत मेहनत की है, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है, तो शायद वही ईमानदारी, वही मेहनत हमें आज आपके सामने लेकर आई। जो काम के प्रति समर्पण था वो पूरी ईमानदारी के साथ था। थैंक यू। जी, प्रत्येक अवार्ड आपकी पीठ पर एक थपकी की तरह होता है, जैसे मेरा शो था थपकी प्यार की, सो इट बूस्ट्स आर मोरल्स, हमें ये भी बूस्ट देता है कि हम इससे भी बेहतर कुछ कार्य करें। एंड आज का ये अवार्ड है, हर्ष जी को मैं सालों से जानती हूँ, सो अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हमें यहाँ आना चाहिए, ये अवार्ड हमें भी मिलना चाहिए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कितना आत्मविश्वास बढ़ता है जब उसे अवार्ड मिलता है आपके लिए? प्रत्येक अवार्ड एक किसी के लिए भी, बच्चे से लेकर आर्टिस्ट से लेकर प्रत्येक इंसान के लिए, कोई भी रिकग्निशन, अवार्ड इज़ एक्चुअली अ रिकग्निशन इन माई आइज, एक रिकग्निशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो एनर्जी देता है अंदर से उससे भी बेहतर काम करने के लिए और कुछ और अचीव करने के लिए। जी, ऐसा है कि मतलब ये जो हमारा आजकल जो प्लेटफॉर्म नया आ गया है, नया जो कई सालों से चल रहा है और आज तो पूरा
छा गया हमारे देश में, इसने बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को, कलाकारों को, हर तरीके के लोगों को बहुत सारा कंटेंट दिया है और बहुत सारा काम दिया है, कुछ अलग भी करने का मौका दिया है। नॉर्मली जो टेलीविज़न में होता है वो आप एक बॉक्स में बन जाते हैं, एक किरदार में बन जाते हैं, फिर आपको उसमें से कुछ एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से हम कलाकारों को और भी मौका मिल रहा है कि हम अपने ही अंदर के कलाकार को और एक्सप्लोर कर सकें। एट द मोमेंट मैं अतरंगी टेलीविज़न के लिए हरा सिंदूर नामक एक शो कर रही हूँ, एंड टोटल गुंडे का रोल है जो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वो करने के लिए, एंड बहुत अच्छे से रिसीव भी किया जा रहा है एक्चुअली। या ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। या सॉरी, यस सर, टेल मी। मैं तो कहना चाहूँगी बहुत आला दर्जे का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जहाँ पर यू नो इतने ज़्यादा टैलेंट को मौका मिल रहा है कि वो आए और यू नो अपना टोकन और अप्रिसिएशन ले, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से लाइफ में कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे काम के लिए आपको सराहा जा रहा हो। सो आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव बाय हर्ष एंड पूनम जी, बोथ, आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन। सर अभी तो मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, मैंने माशाल्लाह पिछले साल 30 म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं और म्यूज़िक वीडियोज़ मेरे और आ रहे हैं, और इस साल शायद से आप मुझे एक रियलिटी शो में भी देखेंगे, बट अभी मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, बट समथिंग गुड कमिंग अप सून। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और अब तक मैंने बहुत बार देखा था सभी लोग, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से नवाजे जाते थे, और मैं हमेशा सोचता था कि मेरा वो वाला दिन कब आएगा, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमेशा ही ऐसे अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ तो थोड़ा नर्वस भी रहता हूँ, तो वो भी हूँ साथ ही साथ, बट आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल कि मैं आज यहाँ पर आया अवार्ड रिसीव करने। ओके, तो फिलहाल बात ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट फिलहाल इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने 4 प्रोजेक्ट्स की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, और इस साल और अगले साल में मेरे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जो अब तक मैंने काम किया उससे अलग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो इसी के लिए आई थिंक लोग एक्साइटेड रहे बस। या Yeah, I couldn't even hear. Yeah. Should I just do the answer? You know, हाँ, दिल से जो आए वो मैं बोल देता हूँ। It's just that extreme honor and a privilege जब दादा साहब फाल्के excellence award जैसा आपको एक award मिलता है। I think in this line of work, everyone chases perfection, पर मेरा एक हमेशा कोशिश रही है कि excellence जो है उसे उसके पीछे हमारा काम हो, and I'm just really honored that an organization like दादा साहब फाल्के has recognized that, and I hope to live up to all of their expectations. So thank you very much for this incredible award. Thank you. Thank you. मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है आज, और जब ऐसा अवार्ड माननीय दादा साहब फाल्के के नाम से जुड़ा हो तो उसकी अहमियत बहुत ही बढ़ती है, तो मैं बहुत खुश हूँ मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है और इस पुरस्कार से नवाजा गया है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुशी हो रही है कि आज ये अवार्ड हर्ष गुप्ता जी की तरफ से हो रहा है, और हर्ष जी मेरे दोस्त हैं और कई सालों से वो कर रहे हैं,
उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और आज हमें भी यहाँ आने का मौका मिला है, और मुझे भी शायद ये सम्मान मिलेगा ऐसा लगता है, तो नेचुरली दिल से खुशी है मुझे। कौन सा गाना सुनाए इस मौके पे? इस मौके पे कौन सा? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ। अवार्ड ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो मैं उन सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके काम के ज़रिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। मुझे कई अवार्ड मिले हैं इटली में, हॉलीवुड में, लंदन में, लेकिन जब अपने देश का अवार्ड मिलता है तो उसमें एक ख़ास मिठास होती है, और इसलिए मैं अवार्ड्स कमेटी, हर्ष जी, पूनम जी सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया है, क्योंकि ये बहुत अहम बात है कि अपने एक मुल्क से मुझे इतना महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।